पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाए इसे लेकर स्केच पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत 15 साल पुराने हो चुके सरकारी वाहनों को स्केच करने का निर्णय लिया गया है। रविवार को प्रेस क्लब में आयोजित केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री चौबे बोल रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के निवास पर मुख्यमंत्री के पहुंचने और कांग्रेस द्वारा हैरेसमेंट का आरोप लगाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईडी, सीबीआई और पुलिस अपनी कार्यवाही करती रहती है। देश में जो राजनीति हो रही है वह जनता देख रही है। संसद में हंगामा कर देश को गुमराह कर रही है। देखा, जिसको लेके संसद के सत्र में भी काफी हंगामेदार चर्चा हो रही है। हाल में वंशवादी जो कांग्रेस का सोनिया कांग्रेस का जो एक युवराज जिसने विदेश के भूमि पर जा करके और भारत के बारे में, यहाँ के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से कमेंट किया, जो भाषण में कहा, वो सचमुच भारत की छवि को धूमिल करता है। और इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग, भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिसने भारत माता को परम वैभव के शिखर पर बनाए रखने का संकल्प लिया है और जो संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत का अभियान जो पूरे विश्व में, हम कह सकते हैं कोविड के उस वैश्विक महामारी में भी, जहां सारी आर्थिक प्रगति विश्व के कई बड़े बड़े विकसित देशों का रुक गया था, वहीं भारत कभी चुप नहीं बैठा और भारत की आर्थिक समृद्धि, और हमने जो उस कोविड के काल में भी जो आर्थिक पैकेज दे करके और देश की प्रगति को हमने जारी रखा, हमारी आर्थिक ढांचे को भी हमने आगे बनाए रखने का काम किया है। और हम ये कह सकते हैं कि यह जो वैभवशाली बनाने का जो हमारा संकल्प है भारत को, हमें इस धरती से प्रेरणा मिलती रही है। ये समाज सुधारकों की धरती है नागपुर, और नागपुर सचमुच में हमारे लिए एक श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत डॉक्टर हेडगेवार जैसे लोग यहाँ आकर के उन्होंने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया। दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति ने समागम धर्म संसद के माध्यम से शिकागो में जो उन्होंने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत का होगा, आज वो सच साबित हो रहा है। कभी दुनिया की ओर भारत देखता था और आज भारत की ओर दुनिया देख रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो 21वीं शताब्दी का भारत विश्वगुरु बनने की ओर खड़ा है। वहीं युवराज के द्वारा भारत को विश्व के बाजार में, विश्व के कोने कोने में, जबकि भारत में उनको जो कांग्रेस का नारा उन्होंने दिया था और जो अभियान चलाया था, वो अभियान उनका टाइटा फिश हो गया। वो लोगों ने उनको बहिष्कार किया, वो विदेश में जाकर के भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का, इसी महाराष्ट्र की धरती के पुत्र हैं, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनका जो पंच निष्ठा के साथ, जो डॉक्टर अंबेडकर के हर प्रकार के उस उनके कर्तृत्व को उजागर किया है और एक आध्यात्मिक, कह सकते हैं,
कि पूरे देश में अंबेडकर जी के नाम पर 5 श्रद्धा का केंद्र लोग नमन करने के लिए सदियों तक जाते रहेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के भाई किस प्रकार से इसका जो दोहन कर रहे हैं, जो अंबेडकर के संविधान को नहीं माने, आज़ादी के 75 सालों तक ये कांग्रेस परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार में डूबी रही, भ्रष्टाचारियों को साथ देती रही। आज विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक बात करना, ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के गौरव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे युवराज को इस प्रकार की बात करना सचमुच में अमर्यादित है, और ऐसे युवराज को भारत को कलंकित करना, कदापि भारत की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और निश्चित रूप में इन्हें, इनके ऊपर ये संदेह पैदा होना लोगों का स्वाभाविक है कि सचमुच में उसमें कोई देशभक्ति नाम की चीज़ है या नहीं। ये देशद्रोहियों के श्रेणी में जाने जाएंगे। जो देश में रह करके देश के साथ खिलवाड़ करता हो, वो देशद्रोहियों के पंक्ति में ऐसे लोगों की श्रेणी, ऐसे लोगों का उस पंक्ति में गिनती होगा। ये भविष्य में जो इस इतिहास को इन्होंने बनाया है, कलंकित किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। तो ठीक है, जहाँ तक मैं कह रहा था कि अभी हमारा जो राष्ट्रीय बजट पेश हुआ है, और उसमें आप देख रहे हैं कि उस राष्ट्रीय बजट में हमने NBC News के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।